हेलो भाई, मैं अंकित। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले टू व्हीलर के बारे में बताया था, जिसमें बाइक और स्कूटर दोनों शामिल थे। लेकिन आज वाले वीडियो में अपन 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स के बारे में जानेंगे। रेडर का भी हाल खराब है, एसपी का भी हाल खराब है, साइन का भी हाल बेहाल है, सुपर स्प्लेंडर का भी हाल बेहाल है, ग्लैमर का तो और भी बुरा हाल है भाई। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। फिर से बोलना चाहूंगा भाई, स्किप मत करना यार। आप लोग स्किप करके चले जाते हो, मजा सा नहीं आता, सच्ची बता रहा हूँ। खराब शुरू करते हैं। 10th नंबर पे आइए ग्लैमर, जिसका बात कर रहे थे। नवंबर के महीने में 20,926 यूनिट मात्र बिकी है ग्लैमर की, जबकि अक्टूबर में आंकड़ा 37,476 यूनिट का था। मतलब 16,550 गाड़ियां कम बिकी है ग्लैमर की। बताओ यार, 16,550। आज के डेट में 3 ग्लैमर मिल रहे हैं भाई, एक तो ये नॉर्मल वाला है, एक आपको SFS का, एक आपको ग्लैमर एक्सटेक है। सबसे ज्यादा ये वाला ग्लैमर बिक रहा था जब से लॉन्च हुआ है, और इस महीने उसका भी बेकार सेल हो गया। खैर, 95,254 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है वाली ग्लैमर। 10.7 BHP का पावर, 10.6 NM का टॉर्क, 55 KMPL का माइलेज, 122 kg का कर्वेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 95 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। ऐसे 100 भी टच हो जाएगा भाई, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, इन्होंने पुराने फेस के साथ ग्लैमर को लॉन्च करा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन उसमें इंजन अगर पुराना वाला दे देते ना तो मजा सा आ जाता भाई। ये नए वाला इंजन यार है, हर कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए तो नहीं बिक रही है। स्टार्टिंग में हाई पाइप में बिक गई होगी, लेकिन अब मेरे हिसाब से सेल ऐसा ही होगा भाई ग्लैमर का। खैर, आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर पे आई है क्लासिक 350। बताओ, ये 350 cc की गाड़ी है, फिर भी टॉप 10 बाइक में आ रही है, बहुत बड़ी बात है इसके लिए भाई। 30,264 यूनिट बिकी है इसकी, जबकि अक्टूबर में 31,897 यूनिट बिकी थी। मतलब 1633 गाड़ियां कम बिकी है क्लासिक 350 की पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। इसका चलता है भाई, इतना कुछ ज्यादा नहीं है। इस महीने कम बिकी, अगले महीने 32-33 हज़ार बिक जाएगी, मैनेज हो जाएगा। 224,371 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है क्लासिक 350 आज के रेट में। पावर एयर की बात करते तो 20.2 BHP का पावर, 27 NM का टॉर्क, 35 KMPL का माइलेज, 195 kg का कर्वेट, 15 कलर ऑप्शन, बाकी 114 MPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। क्लासिक 350 का इतना सेल्स देख के होंडा वाले भी पगला जा रहे हैं भाई। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में बता दूंगा अगर आप कहोगे तो। बाकी 8th नंबर पे आइए पैशन सीरीज। ये हीरो के प्रोडक्ट है भाई। पैशन सीरीज में दो प्रोडक्ट मिलते हैं, पैशन एक्सटेक और पैशन प्लस। पैशन प्रो जो आता था वो बंद हो चुका है। नवंबर के महीने में 34,750 यूनिट बिकी है पैशन सीरीज की, जबकि अक्टूबर में 40,759 यूनिट बिकी थी। मतलब 6,009 गाड़ियां पैशन की भी कम बिकी है। पैशन पुराने फेस के साथ लॉन्च करा, ये भी मेरे को अच्छा लगा भाई, और पुराने इंजन में डाल दिया, ये भी मेरे को अच्छा लगा। अगर नया इंजन डाल देते तो बड़ा बेकार सा हो जाता भाई। पैशन प्लस है ये गाड़ी, बिकेगी भाई, बिकेगी, टेंशन मत लो। थोड़ा बहुत अभी मार्केट डाउन चल रहा है इसीलिए कम बिक रही, नहीं तो ये 40,000-45,000 भी बिकेगी देखना। 91,565 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस जा रहा है हमारे यहाँ। इसमें पावर वगैरह मिल रहा है 7.91 BHP का, टॉर्क मिलता है 8.05 NM का, 60 KMPL का माइलेज, 115 kg का कर्वेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 85 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। इसमें स्प्लेंडर वाला इंजन है भाई, एकदम सेम डिप्टो। बाकी 7th नंबर पे आइए रेडर 125। ये TVS की प्रोडक्ट है भाई, इसको मिनी अपाची भी लोग बाग बोलते हैं। नवंबर के महीने में इसकी 39,839 यूनिट बिकी है, जबकि अक्टूबर में 47,483 यूनिट बिकी थी। मतलब 7,654 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने रेडर 125 की। भाई ये गाड़ी 50,000 का आंकड़ा टच करते करते रह गई यार। ये गाड़ी आपको 1,11,443 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। पावर वगैरह मिलता है 11.2 BHP का, 11.2 NM का टॉर्क, 56 KMPL का माइलेज, 123 kg का कर्वेट, 6 कलर ऑप्शन, बाकी 99 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। वैसे लोग बाग तो भाई 110, 115, 120 तक भी भगा देते हैं रेडर 125 को, भागती बहुत मस्त है। बाकी 6th नंबर पे आइए अपाची सीरीज। इसकी नवंबर में 41,025 यूनिट बिकी है, जबकि अक्टूबर में 39,187 यूनिट बिकी थी। 1,838 गाड़ियां ज्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने अपाची सीरीज की। आज के रेट में अपाची सीरीज में बहुत सारे मॉडल आते हैं भाई, 160, 180, 200, RR310, RTR310, सबका मैंने आपको कंबाइन बताया है। लेकिन यहाँ पे अपन प्राइस वगैरह, पावर वगैरह अपाची RTR 164V के बारे में जानेंगे। 1,48,143 रुपये से मिलना हो जाती है। 17.31 BHP का पावर, 14.73 NM का टॉर्क, 45 KMPL का माइलेज, 144 kg का कर्वेट, 5 कलर ऑप्शन, बाकी 114 KMPH का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी अब आते हैं टॉप 5 में। 5th नंबर पे आइए प्लेटिना। इसकी मात्र नवंबर में 60,607 यूनिट बिकी है, जबकि अक्टूबर में आंकड़ा 74,539 यूनिट का था। मतलब 13,932 गाड़ियां कम बिकी है भाई। बताओ यार, इतना कम, 13,932,
भाई साहब प्लेटिना 100 अगर आप लेना चाहते हो आज के रेट में तो 73,841 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। पावर वगैरह मिलता है 7.29 bhp का, टॉर्क मिलता है 8.34 nm का, 72 kmpl का माइलेज, 117 kg का करवेट, 4 कलर ऑप्शन, बाकी 90 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी फोर्थ नंबर पे आइए हमेशा की तरह HF Deluxe, इसकी 116,421 यूनिट बिकी है, जबकि अक्टूबर में आंकड़ा 117,719 यूनिट का था। 1298 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने HF Deluxe की। ये गाड़ी आपको 69,246 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। पावर अगर इसमें मिलता है 7.91 bhp का, टॉर्क मिलता है 8.05 nm का, 65 kmpl का माइलेज, 110 kg का करवेट, 11 कलर ऑप्शन, बाकी 85 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी थर्ड नंबर पे आई है पल्सर सीरीज। बजाज के पास जितना भी मॉडल है पल्सर सीरीज में सबका कंबाइन बताऊंगा। नवंबर के महीने में 130,403 यूनिट बिकी है मात्र, जबकि अक्टूबर में ये आंकड़ा 161,572 यूनिट का था, मतलब 31,169 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। बाप रे बाप, 31,169 गाड़ियां, 153,528 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। N160 पावर अगर की बात करते हो तो 15.68 bhp का पावर, 14.65 nm का टॉर्क, 45 kmpl का माइलेज, 154 kg का करवेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 120 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। N160 में पहले दो वेरिएंट आया करते थे भाई, लेकिन अब बजाज वालों ने एक वेरिएंट को बंद कर दिया सिंगल चैनल ABS को, अब आपको ड्यूल चैनल ABS वाला ही मॉडल बस मिलेगा। खैर सेकंड नंबर पे आइए होंडा की साइन और SP। यहाँ पे मैं आपको साइन 125, साइन 100 और SP 125 तीनों का कंबाइन करके बताऊंगा। 155,943 यूनिट बिकी है तीनों के कंबाइन, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 163,587 यूनिट का था, मतलब 7,744 गाड़ियां कम बिकी है साइन SP और साइन 100 की। 93,015 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है साइन 125। पावर अगर की बात करते हो तो 10.59 bhp का पावर, 11 nm का टॉर्क, 65 kmpl का माइलेज, 113 kg का करबेट, 5 कलर ऑप्शन, बाकी 102 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी नंबर वन पे आई हमेशा की तरह स्प्लेंडर सीरीज। नवंबर के महीने में 250,786 यूनिट बिकी है, बस बताओ यार इतना कम, जबकि अक्टूबर में 311,031 यूनिट बिके थे, मतलब 60,245 गाड़ियां कम बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने स्प्लेंडर सीरीज की। 60,245 गाड़ियां, कितना मार्केट बेकार था भाई। स्प्लेंडर सीरीज में दो मॉडल आते हैं स्प्लेंडर प्लस और सुपर स्प्लेंडर, दोनों के कंबाइन मैंने करके बताया आपको। यहाँ पे अपन सुपर स्प्लेंडर एक्स्ट्रा के बारे में जान लेते हैं। 1,472 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है ऑन रोड अपने यहाँ बिहार सासाराम में। पावर अगर की बात करते हो तो 10.72 bhp का पावर, 10.6 nm का टॉर्क, 55 kmph का माइलेज, 112 kg का करवेट, 122 kg का करवेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 90-95 तक अपने को टॉप स्पीड मिल जाता है। कंपनी वाले तो 90 ही क्लेम करते हैं। तो यही है भाई 10 वो बाइक जो सबसे ज्यादा बिकी है इंडिया भर में नवंबर के महीने में। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। नई वाली ग्लैमर के बारे में आप क्या सोचते हो भाई? हीरो मोटोकॉर्प का पुराना इंजन लाना चाहिए 125cc वाला? मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी कल आप सभी को 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर के बारे में बताऊंगा। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।